जी है ना हमारे लिए एक भगवान है, भगवान है, भगवान है हमारे लिए एक वरदान है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये बताइए कि मामा नरेंद्र मोदी को तो सुनने आए हैं, मामा ने कुछ किया है? बहुत किया, बहुत किया। देखो मामा, मामा ने जितना किया ना इतना कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। बहुत कमलनाथ ने कहा, बहुत कुछ किया हमने। क्या किया है यार, क्या किया कमलनाथ जी ने? कुछ भी नहीं किया कमलनाथ ने। हमारे 2-2 लाख का लोग किसानों को झांसा दे के वही माफ नहीं किया, कर्जे में डूब गए हैं, हमारे बच्चे पालने मुश्किल हो गए। और क्या बताए कमलनाथ जी को, सुन लो। अरे कह रहे हैं कि बच्चों के साथ तो कमलनाथ। अरे हमें 6,000 रुपए तो देते है कमलनाथ भाई शिराजी, और 6,000 रुपए देते मोदी, और बहनों को देते है 1,200 रुपए महीने, 1,200 रुपए हर महीने। और चुनावी लाली पॉप है, इसके बाद बंद। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चुनाव जीतने के बाद 3,000 रुपए करेंगे, 3,000 रुपए। हमारे मामा जी ने जो भी घोषणा करी वो कंप्लीट चली है, अभी तक बंद नहीं हुई है। और अब इनको तो लाली बहना योजना में जो पैसे है ना, तो बहना ही जिता देंगे उनका। हम तो निधि भी चल रही है अभी, तो सम्मान निधि भी चल रही है। तो कितने काम हो रहा है, बहुत बड़े हमारे अरबा खेड़ी में डैम बन रहा है, बहुत बड़ा डैम। मैतपुर तहसील में हमारे मैतपुर तहसील विधानसभा में 4-4 डैम बन गए। अब उस हरबाखेड़ी डैम जो मामा जी ने दिया है, और हमारे विधायक साहब बहादुर सिंह चौहान, बहुत विकास हुआ उस गांव से, 250 गांव में पानी जाएगा। पाइपलाइन का कह रहे हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय जयवीरू की जोड़ी है, इस बार भारी पड़ेंगे। नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम गांव वाले, हम पसंद करते हैं भाजपा को। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद रहेगी। चाचा क्या नाम हुआ? मान सिंह। कहाँ से आए? मैतपुर तहसील से आए। बताइए कि आज तो मोदी जी कार्यक्रम है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और इन कांग्रेसियों को भाषण में है ना झूठ के सिवा कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी बड़े बड़े नेता है इनको ना प्रकृति के लिए तो कोई काम ही नहीं करवा रहे हैं ये। और झूठ के सिवा कोई बात ही नहीं कर रहे हैं ये। वो तो कह रहे हैं कि हम आएंगे सरकार, बहुत कुछ हम मानते ही नहीं है। पहले 15 महीने की सरकार रही थी मध्य प्रदेश में, उस समय क्या दिया उन्होंने? झूठ बोला, झूठ ना, अभी भी झूठ के पुलंदे कर रहे हैं, एक भी बात सही नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। नहीं, झूठ झूठ बोलते तो ये कभी कोर्ट खुली है, उनके क्लेम लगा दे किसी नेता पे। अभी तक कोई क्लेम लगा पा रहे ये बीजेपी के नेता पे नहीं, इनके जेल में सड़ रहे हैं। कुछ फायदा वायदा मिला आपको? बहुत फायदा मिला हमको, बहुत। क्या क्या? हमारे बैंकों में पैसा था, ब्याज शिवराज जी ने माफ कराया उनके समय का, और लाडली योजना दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं लाडली योजना में पैसे दे रहे हैं। 1,200 रुपए तो मोदी के भाई को मिल रहे, 2,000 शिवराज मामा का और 2,000 मोदी का, और क्या चाहिए हमको? फुल फल मिल रहे, फुल फल मिल रहे मोदी का पैसे, 1,00,000 रुपए मिल रहे मेरे घर पे, 1,00,000 रुपए इतने खाते ही रूपए। ये तो कह रहे हैं कि कुछ दे ही नहीं, फूल मिल रहे साहब, झूठ बोल रहे, नमकीन है मोदी, ये तो नमकीन है। क्या क्या मोदी जी और सिराज जी अच्छा काम कर रहे हैं, वापस भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी 5-6 राज्यों में। कमलनाथ, कमलनाथ दिग्विजय कह रहे हैं कि जयवीरू की जोड़ी इस बार। वो तो कमलनाथ गया, वो तो गया, गया लोगों को सब कर्जे में डुबा के गया। वही भूंगी बजाएंगे, भूंगी और कुछ नहीं होने वाला है, और भूंगी बजाएंगे। पकड़ गए सांप, कमलनाथ तो सांप पकड़ गए और भूंगी बजाएंगे। जय श्री राम। ये फिर बेवकूफ बनाने आए हैं, कर्जे के नाम से झूठ बोलने आए हैं, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पिछली बार भी इन्हें 10 दिन का दिया था, न 10 दिन में क्या 15 महीने में भी इस प्रश्न का हल नहीं हुआ, और किसान फिर कर्जे में चले गए। शिवराज मामा आए, उन्होंने तुरंत फिर राहत दी और कर्जों से मुक्त दिया, और 0% ब्याज से प्रदेश को और किसानों को मजबूत किया। यह हमारा प्रदेश मजबूत हुआ, लाइट से, बिजली से, स्वास्थ्य से, हर चीजों से हम मजबूत हुए हैं, और आने वाली सरकार भी बीजेपी की ही बनेगी। कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया है, कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया मध्य प्रदेश। अरे बेड़ा गर्क तो इनका हो गया, जो कुछ नहीं मिल रहा है इनको, अब इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, अब इनको दलाली के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन सुविधा हो गई है, जनता के पास 100% पैसा पहुंच
रहा है। कह रहे हैं कि इस बार 150 प्लस सीटें आ रही हैं। 150 क्या, 50 भी आ जाए तो बहुत बड़ी चीज है। हम जब बीजेपी बिल्कुल 150 प्लस जा रही है, 150 प्लस, 150 प्लस। और जावरा से भी राजन पांडे विजय है, विजय 100% विजय है। और मोदी जी आ रहे हैं, कुछ कहेंगे? मोदी तो मुमकिन है, और मोदी ही सब कुछ है। और राहुल गांधी? राहुल गांधी तो है ही नहीं यार, कहाँ हो आप? अरे पप्पू है, पप्पू हो आप? हमें नहीं चाहिए राहुल गांधी, हमें अशिक्षित और बेरोजगार आदमी नहीं चाहिए। अरे वो करे पांचों राज्य में जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं जीत? अरे साहब पांचों राज्य में तो ठीक है, वो किसी राज्य में भी नहीं जीतेंगे। आखिरी खेल है इनका, आखिरी खेल, आखिरी खेल और आखिरी मुकाम। अब इनको पकड़ लेना चाहिए काम धंधे अपने घर के, अपने काम धंधे। हाँ, घर के संभाले, घर परिवार संभाले, अच्छा आनंद करे। वो तो मामा को भेजने की तैयारी कर। अरे मामा तो जिंदाबाद है, जिंदाबाद ही रहेगा। मामा तो हमारा है और हमारा ही रहेगा। मामा ने काम क्या किया? काम राम, मामा के काम गिनाएंगे ना तो 20 साल भी कम पड़ जाएंगे। 20 साल भी इतने काम किया है मामा ने। कमलनाथ ने? कमलनाथ कर्जे में डाल गया था। बिजली नहीं मिलती थी, 8-8 घंटे हम इंतजार करते थे। अच्छा। लोगों के मोटरें जल जाती थी, ये समझ लो कंडेंसर के टोपले भर जाते थे। 2 घंटे लाइटें मिलती थी, किसान कमा नहीं पाता था। अच्छा। पीट कर नहीं पाता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं, वो कर्ज में डूबा जा रहा था। यहाँ शिवराज ने आने के बाद लाइट से, स्वास्थ्य से, खाने से, रोड से, पीने से, विकास से, हर चीज से उसने मजबूत किया है। कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं आप लोग, अंधभक्त कह रहे हैं कि वो लोग अंधभक्त हो गए हैं। अंधभक्त कैसे होंगे, मैं तो किसी पार्टी से हूं नहीं, फिर भी आज गमछा डाल के आना पड़ा मेरे को। क्यों? कि एक अच्छे व्यक्ति का सपोर्ट करना जरूरी है। तो अच्छा कौन है? शिवराज है, शिवराज है। मोदी क्या है? मोदी तो उससे भी बेस्ट है, परंतु मोदी है तो शिवराज है, शिवराज है तो मोदी है। अच्छा, क्या? और कमलनाथ राहुल? कमलनाथ राहुल तो खत्म है यार, बंद करो इसको, बंद करो, बंद करो इनको। अरे कह रहे हैं कि इस बार आएंगे तो बिजली माफ कर देंगे। बिजली क्या, वो अपने घर के कर्जे भी साफ नहीं कर सकते, वो खुद कर्जे में है क्या? इसीलिए लोगों को बेवकूफ बना के न कर्जे का झूठा अफवाह फैला रहे हैं। सबका मकान, क्या गरीब मकान नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते ये। ये सिर्फ खाने के लालच में बैठे हुए हैं। कब हमारा मौका मिले, कब इस प्रदेश को वापस गरीबी रेखा से नीचे लाए, क्या कब वापस किसान परेशानी में आए, कब 2000 रुपए कुंटल का गेहूँ कब 1000 रुपए कुंटल में पहुंचे। प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि विकास अगर चाहिए तो कांग्रेस को वोट करिए। अरे यार मेरी बात समझो, वो खुद केस में उलझे पड़े हुए हैं, भला वो क्या विकास को जानेंगे। वो अपने घर का विकास कर ले तो ही बहुत है। क्या और वो जानेंगे, जो इंसान आलू से सोना पैदा करता है वो क्या विकास जानेंगे। हमारे मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह राज ने बंटा डाल पड़ा था, न रोड थी, न लाइट था, न पानी थी, न लोगों के खाने के लिए अनाज था। ये सारी चीज व्यवस्था अगर किसी ने की है तो शिवराज मामा ने की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। अरे इस बार जा रही है सरकार? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, ये मुगालते मत रहना। भोपाल जाएगी अभी तो, भोपाल जाएगी हमारी सरकार, भोपाल जाएगी। अरे ऐसे कमलनाथ को तो वह उधर जाएगा, वहाँ जाएगा, उत्तर प्रदेश की तरफ जाएगा। उत्तर प्रदेश जाएगा, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा है। योगी वही तो मारेगा इसको, वही मारेगा, वही तो मारेगा इसको। झूठ, झूठ की राजनीति। आदमी देखा में आने वाला नहीं है, अच्छी तरह से संतुष्ट है साहब, और मजा आ रहा है मध्य प्रदेश में, क्या खूब काम हुआ है। कमलनाथ की सरकार ने जो गए चुनाव के अंदर जो वादे किए थे लोगों, किसानों के कर्ज माफ के, आज वो किसान कर्ज के मारे डूबा हुआ है। उसके न तो 2-2 लाख का कर्जा माफ हुआ है, और सारी बैंकें ओडी हो गई है, बेचारे वो बेघर हो। इस शिवराज सरकार ने अभी माफी योजना में लाके उन लोगों को वापस कर्ज मुक्त किया उनको। अरे कह रहे हैं कि पाखंडी हैं ये सब, वो खुद कमलनाथ पाखंडी है, वो क्या दिग्विजय सिंह पाखंडी है। इनके चक्कर में लोगों, गरीबों के बेचारे के घर बिक गए हैं, घर रहने को मकान शिवराज सिंह चौहान दे रहा है,
मोदी दे रहा है अच्छे से अच्छा मकान बना के दे रहा है फर्स्ट। लोगों की गरीबी दूर हो गई है, हर इंसान, शिवराज की सरकार 50% जो जनता है उसको भी बराबर करने की कोशिश कर रही है कि बराबर हो जाए। नल जल योजना से जोड़ा, पेयजल की व्यवस्था करवाई, घर घर पानी पहुंचाया, आज किसी को पानी की 1% भी परेशानी नहीं है, 1% भी परेशानी नहीं है, यानी कि पानी पर्याप्त रूप से हर घर पहुंच रहा है, घर और बिजली 24 घंटे मिल रही है। अच्छा, 24 घंटे बिजली मिल रही है। फिर सरकार कैसे कह रहे हैं कि इस बार कमलनाथ की आ रही है हमारी सरकार? कुछ भी कहेंगे, इनको कहने का क्या है? आएगा ही नहीं कमलनाथ, झूठ। हमारी जावरा के अंदर, एक सेकंड, हमारी जावरा विधानसभा के अंदर दिग्विजय सिंह के राज में जब वहाँ से कृषि मंत्री महेंद्र सिंह रहे पूर्व में, कोई काम नहीं हुआ था। अभी जो 10 साल से अभी शिवराज सरकार, 20-15 साल से हमारा विधायक जो है राजन पांडे और शिवराज सरकार में इतने काम हुए हैं कि लोग सारे रोड चको चांद हो गए। 8 लेन का इतना बढ़िया बॉम्बे दिल्ली से 2 लेन बना है, चारों तरफ रोड की चका चांद कर दी है। अरे कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में विकास नहीं हो रहा, रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। सारे रोजगार मिल रहे हैं, सारी नौकरियां मिल रही है, और अच्छा, और किसान किसान मजबूत हुआ है, किसान मजबूत हुआ है इस बीजेपी सरकार में, किसान मजबूत हुआ है। अच्छा, किसान मजबूत हुआ है। वो किस बेस पे वोट मांग रहे भाई? किस बेस पे कांग्रेस वोट मांग रही है? 2003 की स्थिति मध्य प्रदेश की क्या थी? क्या थी? बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं था। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है और केंद्र में जब से सरकार बनी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ली है। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता तो 16,000 रुपए लाली बहना ग्रुप में डालते हैं। ठीक है, अगर और एक सेकंड सर, अगर एक महिला की एक महिला की पीड़ा को अगर किसी ने समझाए तो शिवराज सिंह चौहान ने समझाए। जब उसको दर्द होता है ना ऐसे टाइम में, तो उसको ऐसी व्यवस्था की, घर से ले जाने से लेकर उसकी लड्डू तक की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। कह रहे हैं कि गरीबों के साथ नहीं है भाई, गरीब गरीब 50% जनता के लिए मोदी और शिवराज सिंह, 50% जनता को बराबर करने के लिए और लखपति बनाने के लिए सारी योजना है, और इतने दे रही है कि कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं था जीवन में, इतना पैसा और इतना सब कुछ लोगों को दे रही है। सभी भाई बहनों ने खतरा बना दिया है, हाँ लाखी दिया है शिवराज, लाभ करा सरकार ने, सभी वर्गों को पैसा दिया है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, SC ST ऐसी कौन से वर्ग है जिसको योजना को लाभ नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री आवास सारे लोगों को दे रहे हैं। कह रहे हैं कि गरीब जो है पिछड़ा रह गया है, गरीबों को मजबूत कुछ नहीं है, सभी को लाभ मिल रहा है, सारे लोगों को लाभ मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती सरकार बनेगी और 150 सीटों पार से भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश सरकार बनाएगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हर घर मोदी मोदी, बस मोदी मोदी, मोदी मोदी। तो ये अभी नरेंद्र मोदी जी की रैली होने वाली है, तो उसको लेकर जो है बड़े ही उत्साहित है। आखिर मध्य प्रदेश में मोदी के आने के बाद से माहौल क्या रहने वाला है, ये लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जीतू, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।